हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आपको कुछ इजी वास्तु के टिप्स बताने जा रही हूँ। आपके घर का जो मेन डोर होता है वो आपके घर का आईना या फिर फेस माना जाता है, इसलिए मेन डोर को आप हमेशा साफ सुथरा रखिए। हर रोज उसको गीले कपड़े से आपको साफ करना है। मेन डोर के ऊपर किसी अच्छे मुहूर्त पे आपको पिरामिड से बना हुआ ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी अच्छे मुहूर्त पे हल्दी, कुमकुम और केसर को पानी से थोड़ा सा गीला करके शुभ लाभ, ऐसा आपके मेन डोर पर लिख के रखना चाहिए। मेन डोर जितना ज़्यादा डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव होगा, उतना ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी और लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी। मेन डोर के ऊपर आपको हमेशा बंधनवार ज़रूर लगाना चाहिए। अगर वो आम के पत्तों का और फूलों से बना हुआ हो तो उससे और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बनी रहेगी। सेफ्टी डोर्स वास्तु के अगेंस्ट माने जाते हैं, बट आज के ज़माने में सेफ्टी डोर्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि सेफ्टी डोर यानी आपका मेन डोर नहीं है, जो वुडन से बना हुआ लकड़ी का दरवाज़ा है वही आपका मेन डोर माना जाता है। इसलिए सेफ्टी डोर को आप ज़्यादा डेकोरेट मत कीजिए और उसे कभी भी ब्लैक कलर का पेंट ना करिए। उसकी जगह आप क्रीम या पिंक या कोई भी लाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी डोर्स को आपको ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना। आपके मेन डोर को आपको टाइम टू टाइम पॉलिश करते रहना चाहिए, क्योंकि रंग उड़े हुए दरवाजे नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके मेन डोर में कहीं से क्रैक गया हुआ हो तो उसे आपको तुरंत रिपेयर कर लेना चाहिए। मेन डोर को आपको टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेन डोर से आवाज़ आता है तब भी ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा मेन डोर कभी भी तिरछा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक लेवल में होना चाहिए और उसकी लेंथ और विड्थ भी फिक्स रहनी चाहिए। इसके अलावा मेन डोर के सामने कभी भी शू रैक नहीं आना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी का कारण माना जाता है। और अगर शू रैक आती भी है तो उसको हमेशा कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो मेंटेन करने के लिए हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपके मेन डोर के सामने 5 कपूर की टिकिया जलानी चाहिए। इससे भी आप देखेंगे कि घर की नेगेटिव एनर्जी आसानी से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये मेरी आज की कुछ वास्तु की टिप्स थी मेन डोर को लेके। इसे और कंटिन्यूएशन में आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।